तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफायर गेमिंग पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारी गॉड ऑफ वॉर की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अल्फहाइम रेल्म के अंदर है और अभी अभी हम लोग लाइट ऑफ बाइफ्रॉस्ट से बाहर आए हैं। तो चलिए यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट क्रिस्टल के लिए एक एम्प्टी जगह दी गई है और वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक लाइट क्रिस्टल भी मिल गया है और सामने एक और लाइट क्रिस्टल के लिए जगह दी गई है। तो चलिए यहाँ पे डाल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर शायद एरो शूट करना है। ओके, वहाँ पे सामने भी एक लाइट क्रिस्टल नज़र आ रहा है पर उससे शूट करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो चलिए उसे देखने से पहले यहाँ पे मुझे एक रास्ता भी मिला हुआ है, तो सबसे पहले उस रास्ते को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ पे तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस तरफ, तो शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक अलग रास्ता दिया गया है हम लोगों को, तो शायद यहाँ पे हम लोगों को कुछ मिल जाए। ओके, दुश्मन मिले अभी तो। सबसे पहले नाइटमेयर्स नज़र आ रहे हैं हमें, तो शायद उन्हें पहले ख़त्म कर देते हैं। ओके, इस तरफ भी नज़र आ रहे हैं। चलिए, हमने दो को मार दिया है, अभी एक आखिरी बचा है। ओके, चलिए इसे भी ख़त्म कर दिया हमने। और यहाँ पे इस तरफ कुछ देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। और मुझे सामने यहाँ पे एक नज़र आ गया एक और लाइट क्रिस्टल, तो चलिए वहाँ से ब्रिज एक हमने बना दी है। और ओके, थोड़े और बहुत दुश्मन हमें मिल गए हैं और इन्हें भी हमें मारना पड़ेगा। अरे यहाँ पे भी एक आ गया है, चलिए पहले इससे डील करते हैं। ओके, तो वो वाला भी दूर से अटैक करते जा रहा है हम पे और हम लोगों ने इसे रूनिक अटैक से मारा और अभी यहाँ पे ये डैमेज हो रहा है अच्छा खासा, पर वो पीछे से जो मार रहा है उसका भी डैमेज पड़ रहा है हमें। ओके, तो चलिए हमने इसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और ये मर गया। ओके, हमें लास्ट में डैमेज पड़ गया है, अभी उसे देखना पड़ेगा कब से मारे जा रहा है, बहुत तेज़ी से मार रहा है वो हमें। तो यहाँ पे ये भी आ गया और इसे भी हम लोग फटाफट से भी ख़त्म कर देते हैं। किधर चला गया? अच्छा, उस तरफ चला गया। ओके, तो चलिए इसे भी हमने हरा दिया है। हालांकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो तीन वापस हमें नज़र आ रहे हैं, शायद यहाँ पे हमें ऐसा एंगल मिल जाएगा जिससे ये तीनों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अभी भी शायद मैं तीनों को साथ में नहीं मार पाया, तो थोड़ा बहुत अच्छे से एंगल लेना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला लाइट क्रिस्टल है वो भी फ्री हो चुका है, तो शायद हमें अभी वापस चलना चाहिए। और यहीं से हम लोग आए थे, चलिए वापस चलते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो लाइट क्रिस्टल की जगह दी गई है, तो मुझे लगता है और वहाँ पे मुझे पीछे चेस्ट भी नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लाइट क्रिस्टल एक बार वहाँ पर भी जा कर देखना चाहिए कि वहाँ पर उसे डालने से क्या हो रहा है, शायद हम लोगों को वो चेस्ट एक्सेस करने मिल जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने इसे डाल दिया है, तो चलिए अभी इस पर हमारा जो जादू है वो करते हैं और एट्रेस को बोलते हैं कि इस पर एरो शूट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रास्ता है वो आ गया है, तो शायद अभी हम लोग वहाँ पे जो चेस्ट है उसे एक्सेस कर पाएंगे और देखते हैं चलिए उस टेस्ट के अंदर में क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस चेस्ट के अंदर हमें एक एन्चेंटमेंट मिला है, फ्रेगमेंटेड हार्ट ऑफ अल्फहाइम, रेयर एन्चेंटमेंट है। हालांकि अभी तक मैंने ये पता नहीं लगाया है कि एन्चेंटमेंट्स को यूज़ कैसे करना है ढंग से, पर आई होप कि हमें बाद में पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो खैर चलिए, अभी हम लोगों ने जो ऊपर का रास्ता अनलॉक किया था उस तरफ चलते हैं। अरे भाई साहब, मैं नीचे आ गया फिर से, हम लोगों को फिर से जाना पड़ेगा इस तरफ से। ऑल राइट, तो वहाँ पे ऊपर एक लाइट क्रिस्टल हम लोगों ने अभी अभी ढूंढा था, वहाँ पे शायद अभी हम लोगों को जो नया रास्ता है उसे बनाना होगा। तो अब सामने देख सकते हैं, पहले उस पर जो झाड़ियाँ लगी हुई थी अभी हमने वो हटा दी है, तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारे लिए और दुश्मन आ चुके हैं हमें रोकने के लिए। तो इन्हें तो मैं दूर से ही मारने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये रेंज्ड अटैक करने का तरीका, यही मुझे इस गेम के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मज़ा आता है इन लोगों को ऐसे मारने में रेंज्ड अटैक से। चलिए एट्रेस को भी काम देते रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो भी ऐसा ही बैठा रहेगा, हालांकि इन लोगों को मारने के चक्कर में मैं भी भूल जाता हूँ। आप देख सकते हैं वो भी वहाँ पे जाके अभी लड़ रहा है।
ओके तो ये आई थिंक आखिरी बचा हुआ है। ओके चलिए हम लोगों ने इसे भी मार दिया है और यहाँ पे हम लोग वापस लाइट ऑफ अल्फाइम के पास आ गए एक आखिरी बार। पता नहीं अभी वापस आएंगे कि नहीं हम लोग अभी यहाँ पे। और अभी चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अभी अल्फाइम में और क्या क्या सीक्रेट्स बचे हुए हमारे लिए। ओके तो चलिए अभी यहाँ पे एक चेस्ट नज़र आ रहा है तो चलिए उस चेस्ट को भी क्लेम कर लेते हैं। हालांकि दुश्मन तो किधर नज़र नहीं आ रहा है मुझे, कोई आवाज़ आई। ओके यहाँ पे ये रहा तो चलिए इसे भी मार देते फटाफट से। अभी तो इन लोग से ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में हम लोगों को लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इन्हें मार नहीं पा रहे थे। ओके ये एक डैमेज दे दिया इन लोगों ने हमें। तो दोस्तों चलिए इन लोगों को अभी मज़ा चखाते हैं और इन लोगों को बता देते हैं कि गॉड ऑफ वॉर का स्पार्टन रेज कितना भारी पड़ सकता है। और हालांकि बेचारे दो ही लोग बचे हैं अभी, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं है मारने के लिए। ओके तो चलिए स्पार्टन रेज ख़त्म हो गया और इसे हमने गिरा ही दिया सीधा। और अभी देखते ये वाला चेस्ट थोड़ा खास लग रहा है गोल्डन कलर का, तो इसके अंदर कुछ अच्छा निकलना चाहिए। तो मोस्टली तो ऐसे चेस्ट के अंदर रूनिक अटैक्स निकलते हैं, चलिए देखते हैं। ओके तो इसके अंदर भी एक रूनिक अटैक ही निकला है, लाइट रूनिक अटैक है, स्ट्राइक ऑफ द अटगार्ड। ओके ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे और अच्छा दिख रहा है। चलिए इसे अपग्रेड करते हैं और इक्विप कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी एक और बार तो अपग्रेड नहीं करना है, सेंस नहीं बनता है उस चीज़ का। और ये वाला हमारा लाइट रूनिक अटैक है करंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो। क्या चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक दरवाज़ा हमें मिल गया है सामने की ओर। और इस दरवाज़े पे एरोस मारने से भी कुछ हो तो नहीं रहा है, तो शायद यहाँ पे इसे हम लोगों को डिसेबल करना पड़ेगा। हाँ तो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने इसे डिसेबल कर दिया और हमें लाइट क्रिस्टल भी मिल गया और सामने की तरफ उसका एक होल्डर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे डाल के देखते हैं। ओके तो इससे सामने एक चीज़ लिख के आई है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमें हेल्थ स्टोन मिला है तो हेल्थ स्टोन ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। ओके तो एड्रेस ही शायद नोट करेगा उसे। तो यहाँ पे सारे के सारे जो लेटर्स है वो गायब हो गए, शायद एड्रेस ने देख लिया इसीलिए। और अभी ये स्टोन लेने का तो कोई मतलब नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आ गया है शायद मेन गेट था वो पीछे की तरफ जो था, और ये भी एक अच्छा खासा एरिया नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि वो एक स्टोन डालने की जगह थी तो मैंने सोचा चलो पहले स्टोन डाल देते हैं उसके बाद आगे का काम, क्योंकि स्टोन डालना तो ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे भी ये होल्डर मिलते हैं वहाँ पे उनका काम होता ही है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ब्रिज बन गया उससे, तो चलिए देखते हैं कि ऊपर अभी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों को मिल चुका है एक नॉर्नी चेस्ट। और दोस्तों नॉर्नी चेस्ट को तो हमें डेफिनेटली क्लेम करना ही होता है क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट चेस्ट होता है मेरा। इसके अंदर हम लोगों को मोस्टली दो ही चीज़ें मिलती है, आइडन्स एप्पल और हॉर्न ऑफ ब्लड मीर। तो देखते हैं इस बार हमें क्या मिलता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत हैक सिल्वर भी नज़र आ रहा है मुझे, तो यहाँ पर एक तो मुझे नज़र आ गया कि जो सबसे पहला है, और दूसरा वाला तो वहीं पर था जहाँ पर चेस्ट था। अभी तीसरा वाला यहाँ कहीं पर आजू बाजू है तो कि तो यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं किस तरफ होगा, शायद यहाँ कहीं नज़र आ जाए। ओके तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे वो एन जैसा सिंबल भी नज़र आ रहा होगा। चलिए इसे भी बजाते हैं फटाफट से और दूसरा बजाने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इसे अनलॉक करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, पर आप लोगों के लिए मैंने इसकी एक ट्रिक आपको दिखा दी और ज़्यादा बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आपका। सीधा सीधा आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर आपको जो सी वाला सिंबल है उसके उधर आपको अब आजू में थोड़ा बहुत एक्स फेंकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वापस से अपने चेस्ट के पास आना है और आपके एक्स को वापस कॉल करना है, फिर आपको आर पे मारना है और फिर आपको एन वाले सिंबल के पास आके उसे भी मार देना है। दिखने में बहुत इजी लग रहा है पर मुझे इसे करने में 15 से 20 मिनट लगे थे सक्सेसफुल अटैम्प्ट होने में। और ये वही वाली क्लिप मैंने डायरेक्टली डाल दी है आपको ज़्यादा बोर ना करने के लिए। तो देखते चलिए इसके अंदर से हमें क्या मिल रहा है। तो हम लोगों को मिला है हॉर्न ऑफ ब्लड मीड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो में से एक चीज़ मिलती है। तो शायद हमारा स्पार्टन रेज, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मैक्सिमम रेज है वो अभी इम्प्रूव हो गया है और आप देख सकते हैं हम लोगों को ज़्यादा स्पार्टन रेज अभी देखने मिलेगा। तो खैर चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर और कुछ वहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो तीन चीज़ें थी उन्हें हम लोगों ने तोड़ दिया है। और वहाँ पर भी आपको एक होल्डर नज़र आ रहा होगा स्टोन का, तो यहाँ पे भी एक बार मार के देखते हैं एरो।
तो यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट हो गया है और यहाँ से पता नहीं हमें कहाँ जाना है। ओके, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। Remember the shape. Yeah, I know. तो यहाँ पे एक सिंबल था, उसका मतलब सी था, और वहाँ पे ऊपर एक सैंड बोल था। सैंड बोल में मोस्टली हम लोग पजल्स का जो रिडल्स का जो आंसर होता है उसे लिखते हैं, तो हम लोगों को जाने मिलता है। हालांकि इतने छोटे होल में हम फिट कैसे आएंगे। ओके, तो वहाँ पे एट्रेस जा रहा है, हम नहीं जा रहे शायद। ओके, तो वही जा रहा है और शायद वो वही वो सैंड बोल में जाके लिखेगा जो आंसर था। Go ahead. Greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, it's see. Stupid rings. So, it's a door after all. तो यहाँ पे हम लोगों ने इस दरवाजे को भी शायद अनलॉक कर दिया है, पर ये खुल क्यों नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए या तो फिर यहाँ पे भी शायद बी दबाना होगा। तो चलिए, हम लोगों ने इस दरवाजे को खोल दिया। ओके भाई, ये कौन है? मुझे लगा दुश्मन है एक सेकंड के लिए। लगता है ये लोग लाइट एल्व्स है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये शायद इन लोगों को हमने अपने घर जाने में बहुत मदद कर दी है डार्क एल्व्स को हरा के। अब ये भी अपने घर जा रहे हैं सब लोग, और शायद इसी के साथ हमारा अल्फाइम से जाने का भी समय आ जाएगा, क्योंकि हम लोग वापस से आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पे। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। ऐसे भी बहुत टाइम हम लोग अल्फाइम में हैं, ऑलमोस्ट मेरे 3 या 4 वीडियोस यहाँ पे अभी तक बन चुके हैं। तो देखते हैं कि अभी हम लोग इस एपिसोड में बाहर निकल पाते हैं कि नहीं यहाँ से। और आप देख सकते हैं, एक दूर डार्क एल्फ वापस से आ गया है। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं बार बार। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ से भी अभी चलते हैं। और आप देख सकते हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो बहुत पास है, पर हम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमारा बोट नहीं है लगता है। तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से नहीं जा पाएंगे हम लोग दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने जब भी एंट्री की थी तभी सारा पानी जो था वो नीचे चला गया, और हमारी जो बोट भी है वो भी शायद चली गई होगी। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमारे लिए दूसरा एग्ज़िट बनाया होगा कहीं से। तो चलिए, और मुझे अभी फील आ रही है ये अंधेरा माहौल देख के कि कुछ तो भी होने वाला है, लड़ाई वड़ाई ये लोग कोई तो डालने वाले हैं हमारे सामने, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फियर तभी आता है। और अब देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कितना अंधेरा है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है ढंग से मुझे। ओके, पर यहाँ पे जो बाईफ्रॉस्ट की लाइट है उसके वजह से थोड़ा बहुत जो विजिबल। ओ भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हैं आप वापस वो विचेज़ आ गई है। अरे यार, पड़ गई हम लोगों को, और दो है भाई साहब, दो दो दे दिए इन लोगों ने विचेस। अभी दो को कैसे एक साथ हैंडल करूँगा? कोई बात नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। और इसे अभी हम लोग पहले एट्रेस के एरोस से मारते हैं, फिर हम लोग अपने एरोस से मारते हैं, और ब्लॉक करके रखते हैं अभी एट्रेस। ओके, एट्रेस मारेगा, उसके बाद ही हम मारेंगे। और आप देख सकते हैं लोग, हम लोगों ने अच्छा खासा डैमेज दिया उसे। अरे यार, वो टेलीपोर्ट हो जाती है एक तो बीच बीच में। खैर, अभी वापस से हम लोगों को दोनों से बच के रहना पड़ेगा, एक तो एक टाइम पे एक को भी हैंडल करना मुश्किल होता है इन लोगों तो। ओके, तो चलिए फिर से इसे डैमेज देते हैं हम लोग फटाफट से, वो खुद को ब्लॉक करते हुए एट्रेस के कंटिन्यूस वार मारेंगे तो ही कुछ होगा इन लोगों को, वरना कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो चलिए एक को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, और थोड़ी बहुत हेल्थ भी मिल गई है हमें। ऐसे तो हम लोग अभी भी फुल हेल्थ पे ही है, कोई इशू तो है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, ये लोग कभी भी मार देते हैं। एक तो चैलेंज मोड की डिफ़िकल्टी है जो कि हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक ही पे फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा हमारा। ओके, तो उस तरफ चली गई है, और एट्रियस ऐसे मारते रहता है ना तो अच्छा खासा जो स्टन डैमेज है वो पड़ते रहता है, वरना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम लोगों ने इसे भी मार दिया, और एक्सीडेंटली मैंने स्टोन को भी मार दिया, तो हमारा एक रास्ता भी खुल गया है। हालांकि मैं थोड़े बहुत और रास्ते एक्सप्लोर करूंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक चेस्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसे हम लोगों को तोड़ने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, पर अभी मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अभी मैं सबसे पहले तो इस तरफ आ जाता हूँ, इस रूम के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, तो चलिए इसे तोड़ देते हैं। और लगता है ये किसी प्रिजन के चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता मुझे इसको ऐसा छेड़ना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। चलिए, हो सकता है कि ये स्टोन हमें कहीं पे काम आ जाए, क्योंकि जब जब ये स्टोन मिला है तब तक उसका काम भी पड़ा ही है, तो मैं इसे ले लूँगा। हालांकि अभी तो इन लोगों की जो बैंड बजानी है हम लोगों को, उसमें मैं बिज़ी हूँ। ये तो सिंपल है एकदम, ड्रॉगर्स को तो कुछ टेंशन नहीं होता, मुझे इन लोगों को तो ईज़िली मार दूँगा मैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डैमेज पड़ जाता है,
पर वो तो होते रहता है कभी कभी बीच बीच में। हम लोग अभी कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, ऐसे टाइप का गेमर नहीं हूँ मैं, मुझे पसंद आता है गेम इसलिए खेलता हूँ। तो चलिए अभी इसे भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोगों को ये स्टोन ले लेना चाहिए सबसे पहले तो, और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने की तरफ मुझे एक नज़र तो आ ही रहा है जगह जहाँ पर होल्डर में रख सकते हैं, तो हम लोगों ने इसे रख तो दिया है। अभी इस पर शूट करके देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के वो जो डायल्स है वो नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग लेटर्स चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ दरवाजे पे चार अल्फ़ाबेट्स भी दिखाए गए हैं। अभी लगता है एक को हमने छेड़ा है तो इसलिए वो गायब हो गया। तो मुझे लगता है ऑर्डर में हम लोगों को उन चारों को मैनिपुलेट करना है इस तरीके से कि चारों के चारों ऑर्डर में आ जाए। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। और मुझे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी आ रही है तो मुझे लग रहा है ये कोई टाइमर है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो ब्लू लाइट्स है वो वापस से आ गई है और वो एक टाइम पर गायब हो गई थी। तो चलिए अभी हम लोगों को टाइम के हिसाब से करना है। कभी मैंने बहुत सारी बार ट्राई किया था यहाँ पर, उसके बाद नहीं हुआ था, पर यहाँ पर इस बार अभी आप देख सकते हैं हम लोग पूरी कोशिश करने वाले हैं कि हमारा जो काम है वो बन जाए। मैंने सारे के सारे सिंबल्स अभी मेमोराइज़ कर लिए हैं और सिर्फ दो ही बचे हुए हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों को दो को ही चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा मेरे हिसाब से अभी काम हमारा। और ये वाला सिंबल चाहिए था हम लोगों को एक, तो और एक इस तरफ। ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस तरफ का सिंबल है उसे चेंज करना है। और ये भी नहीं था, दूसरा सिंबल था। ओके तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो दरवाज़ा है वो खुल चुका है, क्योंकि वो साइड के दो मैंने ऑलरेडी कर दिए थे। और अभी यहाँ पे चलिए मटके मिले हैं, मटकों तो मैं फोड़ना ही है और दूसरे वाले को भी फोड़ना है। ओके यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है नीचे, पर उसे हम लोग तोड़ नहीं पा रहे। उसे कैसे तोड़ूँ। खैर चलिए अभी हम लोग चेस्ट के पास ध्यान देते हैं, मटकों को बाद में देखेंगे और इस चेस्ट के अंदर में क्या मिलता है वो देखते हैं। ओके तो इसके अंदर हम लोगों को क्या मिला, ये चेस्ट आर्मर मिला है एक टाइप का। भाई साहब बड़ा अजीब दिख रहा है, मुझे पसंद नहीं आया, सच बता रहा हूँ। इतनी मेहनत की मैंने, मुझे लगा कुछ ढंग का देंगे ये लोग। भले उससे मेरा हेल्थ अपग्रेड हो रहा है पर दिखने में भी थोड़ा बहुत कूल लगना चाहिए। ये वाला कितना सही लग रहा है। हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे इक्विप कर लूँगा बाद में, पर अभी के लिए तो मैं इसे ही रखने वाला हूँ। और सामने ये एक ब्रिज जैसा नज़र आ रहा है मुझे, पर सामने कोई स्टोन नज़र नहीं आ रहा है जिसपे मैं मार सकूँ, तो पता नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना गेम प्ले काफ़ी होगा, अगला गेम प्ले हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। खैर तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक बाय बाय।